हेलो क्लास नाइन, कैसे हो आप सब बच्चों? घर पर हो? अच्छे ही होंगे। ठीक है, घर पर रहो, सेफ रहो। ठीक है, लेकिन केवल बैठना नहीं है, घर पे रह के अपना रेगुलर होमवर्क करना है जो भी आपको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपको जो चैप्टर 2 स्टार्ट करवाया था नया, तो उससे रिलेट जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी पॉलिनोमियल की, और उनकी टाइप्स थे, उनकी डिग्रीज थी, उनका जीरोस था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब मैंने आपको बताया। तो वो आप अच्छी तरह पहले फर्स्ट वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन ले लेना, फर्स्ट वीडियो अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, तब आप ये जो मैं आज एक्सरसाइजेस करवाऊंगी वो आप करोगे। ठीक है, पहले पहला वीडियो अच्छे से देखना। ओके, वो यदि बेसिक्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है, तो आपका ये जो काम है वो चुटकियों का काम है। ठीक है, बहुत ही इजी लगेगा ये, और है भी इजी, लेकिन कब? जब आपको सारी चीजें मालूम हो। ओके, तो पहले फर्स्ट वीडियो वॉच करना, उसके बाद देन दिस। ओके, नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख लेना, मैंने पॉली लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो एक वेरिएबल हो, और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? उस एक वेरिएबल की जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो? एक पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो। अच्छा देखिए, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, ये इस एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल एक्स ही हैं, एक ही है, और सब में पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब देखिए इधर, ये भी एक वेरिएबल है, ओनली वाई एक ही वेरिएबल है, और जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें एक ही वेरिएबल है टी, इधर भी टी है, इधर भी टी है, बट इसमें जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर ही नहीं है, 1/2 है, और ये √2t है। इधर तो पॉजिटिव है 1, लेकिन इधर टी की पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, पता है ये चीज आपको? ठीक है, तो टी की जो भी पावर हो, जितनी भी टर्म्स में हो, सब में पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे इसमें देखो, पावर 2 थी और 1 थी, पॉजिटिव इंटीजर था ना, तो ये पॉलिनोमियल है। ये नहीं है क्योंकि इसमें तो है सेकंड टर्म में, पर फर्स्ट में नहीं है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर इन पावर। ठीक है, अब देखिए ये, इसमें भी वाई एक ही वेरिएबल है, लेकिन बेटा इसकी सेकंड टर्म है ना, वाई को ऊपर ले जाऊंगी, वाई की पावर -1, तो वाई की पावर इधर भी क्या आ गई? नेगेटिव इंटीजर आ गई। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल होगा एक, उसकी पावर हमेशा प्लस की हो। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज देयर इज नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, सॉरी, देयर इज 3 वेरिएबल एक्स वाई टी, और आपको वो पॉलिनोमियल पूछा है 1 वेरिएबल हो जिसमें, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, आपसे 1 वेरिएबल का पूछा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जितने भी आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इन पॉलिनोमियल्स में, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर, तो एक्स स्क्वायर के आगे का कुछ भी नंबर नहीं, इट मींस 1, तो इस वाले केस में
कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इस केस में, इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है और अदर नंबर नहीं है, दैट इज माइनस 1। इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पाई बाई टू। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रियल नंबर, वो उसका कोफिशियंट है। अच्छा, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हो सकता होगा बुक में कोई मिसप्रिंट होगा, एक्स स्क्वायर लगा लीजिए इधर। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें कितना है, रूट टू। ठीक है, तो ये बस एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसका कोफिशियंट लिखना, मतलब वो नंबर लिखना। ओके, सिंपल है। थर्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक आपको एग्जांपल एक एक देना है, एक तो बाइनोमियल का देना है, एक मोनोमियल का। बाइनोमियल क्या होता है, वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। ठीक है, तो बाइनोमियल का एग्जांपल डिग्री 35 वाला देना है, तो आप कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना सकते हो। तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म होनी चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो मैंने ये ले लिए 3x5 प्लस दूसरी भी टर्म हो, बाइनो है ना दो, तो वो जो दूसरी टर्म है आप कांस्टेंट भी ले सकते हो, किसी की पावर भी ले सकते हो, या केवल कांस्टेंट भी लिख सकते हो। एक्स की पावर 100 ले लो, सॉरी 100 नहीं, 35 से कम लेना, क्योंकि बाइनोमियल डिग्री 35 की पूछी है। एक्स की पावर 2 3 लेस देन 35 कुछ भी ले लो एक्स की पावर, या नहीं तो कुछ ना समझ आए कांस्टेंट लगा ले। ठीक है, और जैसे और भी एग्जांपल लिखने हो तो 4x 35 प्लस 9x2, ये भी देखो बाइनोमियल है, दो टर्म है और डिग्री कितनी है 35। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें टर्म तो दो लेकिन डिग्री 35। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 35 और अनदर टर्म कुछ भी हो, कुछ भी, बट पावर लेस देन 35। ठीक है, जीरो भी हो सकती है, इधर एक्स की पावर 0 ना कॉन्स्टेंट। तो मैंने यहाँ पे सॉरी दो एग्जांपल लिख दी है। ठीक है, अब देखो मोनोमियल का, मोनोमियल में एक ही पावर 100 का लिखना है, मोनोमियल मतलब एक टर्म और पावर 100 हो, तो मैंने लिख 7x की पावर 100 और लिख देती हूँ, कुछ भी लिख लो 99x की पावर 100, पर पावर 100 होनी चाहिए, टर्म एक ही होनी चाहिए, कोफिशियंट कुछ भी लगा लो, प्लस माइनस एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल, तो आप अपनी तरफ से बाइनोमियल मोनोमियल के एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, मैंने दो दो लिख दिए हैं। राइट दी डिग्री इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री बतानी है तो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होती है, ये मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले फर्स्ट वीडियो देखोगे देन सेकेंड इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें डिग्री हाईएस्ट कितनी पावर है, 3, तो जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इस डिग्री की सॉरी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं है तो इट मींस 3x की पावर 0, इट मींस 3 होता है ना, तो इधर डिग्री क्या होगी, 0। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0, और यदि कांस्टेंट खुद 0 हो तो डिग्री नॉट डिफाइन। ओके, तो ये सारा मैंने लिखवाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, आपको वो वीडियो भी देख लोगे तो ये आप खुद ही कर लोगे। ओके, नाउ फिफ्थ, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये पॉलिनोमियल कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, ये बताना है। तो जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 है वो क्यूबिक। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये हो गया क्यूबिक, इसकी 2 है क्वाड्रेटिक,
वन है लीनियर, ओके, और थ्री टी इनकी वेरिएबल है ना, इसकी भी वन है लीनियर। आर की पावर दो, दो है डिग्री क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री तीन है क्यूबिक। सिंपल है बहुत, ठीक है। तो बस आपको इधर क्लासिफाई करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजी शॉर्ट है। अब देखिए 2.2 में आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज और जीरोस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारा इंट्रो फर्स्ट वीडियो में है। तो अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट जीरो। जीरो पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल को आप पी एक्स से लिख लिया करो। किससे? पी एक्स से लिख लिया। अब पॉलिनोमियल के जो लिखने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वे है वो ये है कि जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले लिखा करो, उसके बाद नेक्स्ट पावर, उसके बाद लास्ट में कॉन्स्टेंट, मतलब जो डिग्री है वो अरेंज करके लिखा करो। पावर, सॉरी, हाईएस्ट पावर, फिर उससे लेस, लेस, लास्ट में कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैंने ये प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल अरेंज कर लिया। पहला क्वेश्चन था मेरा जीरो पे बताओ वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, बस एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, ये जीरो तीन। तो क्या आ गया, ये भी जीरो, क्या बचा तीन, जीरो प्लस तीन, क्या आ गया तीन, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में पूछा एक्स बराबर माइनस वन पे बताओ वैल्यू। तो जो पॉलिनोमियल आपका है उधर एक्स की जगह क्या पुट कर दो, माइनस वन। तो मैं देखो पॉलिनोमियल ये था, मैं क्या पुट कर रही हूँ, माइनस वन। थर्ड पार्ट बाद में करेंगे। तो माइनस फोर, ये आपका पॉलिनोमियल है बेटा, इसमें मैं क्या पुट कर रही हूँ, एक्स की जगह माइनस वन। तो माइनस वन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछिए, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव प्लस थ्री, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर माइनस फाइव प्लस थ्री, तो माइनस नाइन प्लस थ्री यानी कि माइनस के सिक्स। तो माइनस वन पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस सिक्स। इसी तरह थर्ड में पूछा है, थर्ड पार्ट में एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू बताओ थर्ड पार्ट। तो हम एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर देंगे, ये पॉलिनोमियल है, टू पुट कर दीजिए, टू का स्क्वायर फाइव इंटू टू प्लस थ्री। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो फोर, फोर फोर माइनस सिक्सटीन प्लस टेन प्लस थ्री, कर लोगे सॉल्व तो ये आपका आ गया माइनस सिक्स प्लस थ्री, इट मीन्स माइनस थ्री, ठीक है। ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू जो भी पूछा जाए वो आप पुट करके बस कैलकुलेट कर दो, उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा ही ये भी है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको पी जीरो पी वन पी टू, इट मीन्स पी जीरो यानी जो वेरिएबल है उधर जीरो पुट कर दो, वन पुट कर दो, टू पुट कर दो और उनकी वैल्यूज निकाल दो पॉलिनोमियल की। तो ये तीनों की वैल्यूज निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें आपको दिए चार पार्ट, मैंने दो लिखे हैं, सबका करने का मेथड सेम ही है। ये पॉलिनोमियल y में दिया है, ये t में दिया है। तो किसी भी वेरिएबल में दिया हो आपको तो ये तीन निकालना है। जैसे मैं पहला निकाल के बता रही हूँ, एक बार जीरो पे निकालनी है वैल्यू, तो y की जगह मैं जीरो पुट कर दूंगी, ठीक है। एक बार वन पे निकालनी है तो y की जगह मैं वन पुट कर दूंगी, ठीक है। और एक बार टू पे निकालनी है तो मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगी, टू। तो पहले p जीरो, जीरो पे निकाल दो, जीरो जीरो प्लस वन, क्या आ गया वन, ठीक है। सेकंड है वन पे निकालो तो y की जगह वन पुट कर दो, इसी पॉलिनोमियल, मतलब एक ही पॉलिनोमियल में ये तीनों वैल्यू निकालनी है। एक पॉलिनोमियल में ये तीनों, फिर दूसरे पॉलिनोमियल में ये तीनों,
फिर तीसरे में ऐसे सभी में करना है, वन वन प्लस वन, ओके, वन का स्क्वायर वन, ये दोनों कैंसिल, ओवरऑल वन। टू पर निकाल दो, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो देखिए चार, टू टू जो फोर, फोर माइनस टू प्लस वन, टू और वन थ्री, ओके। बहुत सिंपल था, पॉलीनोमियल में ये तीनों वैल्यूज पुट करना है। अब देखिए जीरो वन टू इस सेकंड पॉलीनोमियल में, तो पहले जीरो पुट कर दीजिए, फिर वन पुट कर दीजिए, तो जीरो पुट करोगे, जीरो टू इंटू जीरो, और ये भी जीरो, तो ये आपका आ गया टू जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो, क्या रह गया टू। अच्छा अब आपको पुट करना है वन, तो टी की जगह वन पुट कर दीजिए, ओके, थ्री और टू फाइव, वन का स्क्वायर वन ही होता है ना, टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, वन का क्यूब वन, ओके, तो ये आपका आ गया पांच माइनस एक यानी कि फोर, ओके। तो ये आपकी तीन वैल्यू जीरो पे, वन पे, अच्छा सॉरी अभी टू पे भी निकालनी है, टू पर भी निकाल दीजिए, टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस टू की पावर थ्री, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, देखो टू प्लस टू प्लस टू इंटू फोर माइनस एट, टू और टू फोर, और ये एट, टू फोर जा एट, एट माइनस एट कैंसिल, और टू और टू फोर, तो ये आप कैलकुलेशन कर लो, टू टू फोर और ये एट माइनस एट कैंसिल चार, तो ये आपकी ये वैल्यूज निकाल सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, बस आपको ये नंबर पुट करने हैं, सिंपल है। 2.2 का ये थर्ड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैंने दो पार्ट छोड़े हैं, तो वो आप करोगे सेम जैसे मैंने दो करवाए हैं बाकी के, ठीक है, क्योंकि उसमें चार थे तो दो मैंने कराए एज इट इज, बाकी के दो करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये है थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, हमें वेरीफाई करना है कि कौन से जीरोस हैं इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो इनके साइड में लिखे हुए हैं वो इस पॉलीनोमियल के जीरोस हैं या नहीं, ये हमें वेरीफाई करके देखना है, ठीक है। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में आठ पार्ट थे, मैंने केवल आपके लिए दो छोड़े हैं, सारे के सारे मैं यहाँ सिक्स करवा रही हूँ आपको, तो ये यदि आ गए तो वो आ ही जाएंगे, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, और अब भी करेंगे तो और पता चल जाएगा। तो वेरीफाई करना है तो आपको बस कुछ नहीं करना, जो एक्स बराबर जो साइड में आपको वैल्यूज दी है वो इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो जो ये साइड में नंबर आपने पुट किया है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है माइनस वन बाय थ्री, तो ये मैं इधर पुट करके देख लेती हूँ भाई, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री, ओके, पुट किया तीन से तीन, कैंसिल कर दो कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन करी तो पूरा जीरो आ रहा है, तो यदि ये वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो आ जाए तो ये एक्स बराबर जो भी नंबर दिया है वो उसका जीरो होगा, ठीक है। तो अब आप लिख देना एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज द, चलिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके, एक है तो जीरो और x की वैल्यू दो है तो जीरो से देना, ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो सेकंड, सेकंड में x की वैल्यू फोर बाई फाइव, तो यहाँ पे मैंने फोर बाई फाइव पुट करी x की जगह, तो ये पांच पांच कैंसिल हो गया, फोर माइनस पाई आ गया यानी कि जीरो नहीं आया, तो यदि जीरो नहीं आया है तो नॉट, यानी कि ये
एक्स बराबर 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ओके तो एक्स बराबर 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? चलो अंडरलाइन कर देती हूँ, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। ठीक है, तो वैल्यू क्या समझ आएगी आपको, बस वैल्यू पुट करनी है। ओके अब देखिए थर्ड, पीएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू चेक करनी है, एक वन और एक माइनस वन। तो पहले मैंने वन चेक करी, वन, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन खुद, तो वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो। तो वन पुट करने पे जीरो आ गया। अब मैं माइनस वन भी करके देख लेती हूँ, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर भी बेटा क्या होता है, वन। तो वन में से बन गया क्या आएगा, जीरो। तो वन पुट करने पे भी जीरो आ रहा है, माइनस वन पुट करने पे भी जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वन और माइनस वन बोथ आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप लिख दोगे कि x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज px। ओके तो बस आपको कुछ नहीं करना है, x की जो वैल्यूज आपको दी है वो पुट कर करके देखनी है। तो इसमें देखो, इस पार्ट में x बराबर माइनस m अपॉन l पुट करना है, तो मैं यहाँ पर x की जगह m अपॉन l ये पुट करती हूँ, l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m, तो माइनस एम में से प्लस एम गया, जीरो, दोनों कट गए ना। तो अब आप क्या लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इस वाले पार्ट में एक्स की कितनी वैल्यूज हैं, दो, जैसे उसमें दो थी ना, इसमें भी दो, दोनों पुट करेंगे। पहले मैं पुट करके देखती हूँ, माइनस वन बाय रूट थ्री, माइनस वन बाय रूट थ्री मैंने ये पुट कर दिया, स्क्वायर माइनस वन। अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तीन से तीन कैंसिल, वन माइनस वन जीरो, आ गया जीरो, इस पे आ गए ना जीरो। अब मैं पुट करती हूँ टू बाय रूट थ्री, थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री पुट कर दिया, थ्री इंटू टू टू जा फोर, रूट थ्री रूट थ्री थ्री, माइनस वन, तीन से तीन कैंसिल, फोर माइनस वन थ्री। सेकंड वाले पे जीरो नहीं आ रहा, तो पहले वाले नंबर माइनस वन बाई रूट थ्री पे जीरो आ रहा है, तो x बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट टू बाई रूट थ्री इज नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स बिकॉज देयर इज नो जीरो, दिस वैल्यू इज नो जीरो। यदि वैल्यू जीरो आती है पॉलिनोमियल की, वही जीरो होगा वो पॉइंट। ठीक है, तो आप इसका आंसर में क्या लिखोगे, ठीक है ये मैं भी बताती हूँ। फिफ्थ वाला, इसका आंसर आप फिलहाल देखिए क्या लिखना है आपको, कि इसके बाद क्या लिखना, x बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री इज द जीरो ऑफ पी एक्स एंड x इज इक्वल टू टू बाई रूट थ्री इज नॉट द जीरो, नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स। एक पॉइंट तो जीरो है और एक नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों हैं तो दोनों जीरोस आए, एक हो सकता है एक नहीं हो सकता, हो सकता है दोनों हो, सकता है दोनों ना हो या एक हो, ठीक है। इसमें से मैंने एक पार्ट रिमूव किया था, वो आपका था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स जीरो पे। तो
बेटा एक्स की वैल्यू तो 0 है ना, तो यहाँ 0 पुट करोगे, सिंगल नंबर है तो 0 ही आएगा। देखो पी 0 और 0 का स्क्वायर 0, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 भी तो एक रियल नंबर है ना, तो एक्स बराबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 पुट करने पे 0 आ गया तो 0 भी 0 हो सकता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये आपका हो गए 5 6 5। ठीक है, 8 थे 2 कर लेना, सिंपल है, कर सकोगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में इधर तो वेरीफाई करना था भाई 0 है या नहीं, इधर 0 निकालना है। फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यदि हमें किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करके हम 0 निकाल सकते हैं। तो देखो 0 निकालने के लिए आप क्या किया करो, टू फाइंड 0, 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दो। तो पी एक्स कितना है, एक्स प्लस 5, तो एक्स की वैल्यू -5, तो ये -5 आ गया 0। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल है, ठीक है, बस जब भी 0 फाइंड करना हो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दो, यानी जो भी पॉलिनोमियल है 0 लिख दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही उसका 0 होगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल को 0 बनाना है। ठीक है, समझ आ गई बात, जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही उसका पॉलिनोमियल होता है। तो पी एक्स 0 पुट कर दिया, पी एक्स आपका 0 कब होगा, ये कैलकुलेट कर लो, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू लिख दी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, सो 2/3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट, बस 0 पुट किया, ये 3x था 0, तो x की वैल्यू 0/3, इट मीन्स 0 इज द 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेम दिस ax 0, x बराबर 0 अपॉन a, हेयर a नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर ये कोई भी रियल नंबर है बट 0 नहीं है। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इधर देखो एक और पार्ट, सी एक्स प्लस डी फॉर टू फाइंड 0, पी एक्स 0, सी एक्स प्लस डी 0, हेयर सी नॉट इक्वल टू 0, सी और डी इज एनी रियल नंबर। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये मैंने माइनस डी इधर कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई -d/c, तो -d/c इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.2, इसके फोर्थ पार्ट में मैंने यहाँ पर कितने लिखे हुए पार्ट, 2 छोड़े हुए, 5 लिखे हैं, 7 है, 7 पार्ट है, 5 मैंने कर दिए हैं, 2 आप करोगे, तो 90% क्या, मतलब 95% एक्सरसाइज मैंने कर दी है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, तो वो आपको करना है। ओके, पूरा काम करोगे, टेक केयर, बाय।